बार देखी मैं फिदा हो गई थी तभी तब से। अरे तू पहले क्यों नहीं बताया, एक दूंगा। अब तो बोल दो, आई लव यू बोल दो। अभी नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कम अब भाव मत खाओ, आई लव यू बोल दो ना, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। देखो तुम मेरे फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही मैं तुम्हारे फैमिली के बारे में जानती हूँ। पहले तुम शुरू करोगी या फिर मैं करूँ? तुम ही कर दो। ओके, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा एक LIC एजेंट है, समझ नहीं आया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मम्मी एक हाउसवाइफ है, क्या खाना बनाती है। मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत नफरत है, मुंबई में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए मम्मी पापा ने मुझे बैंकॉक भेज दिया। तुम मुंबई के हो? क्या बात कर रही हो, तुम भी मुंबई से हो, सेम पिंच। उतावले मत बनो, क्या तुम्हें सच में लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है? मैं दिखने में ही हट्टा कट्टा हूँ लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ। तुम खुद ही सोचो, उस दिन उस स्विमिंग पूल पर नाटे ने मुझे कितना मारा और मैं बस उसे घूरता रहा, मैंने हाथ तक नहीं उठाया। मेरे दुबले पतले दोस्त भी मुझे मारते हैं तो मैं पलट के उन्हें कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मुझसे होता ही नहीं है, बहुत सॉफ्ट हूँ ना। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पापा मुंबई के बहुत बड़े डॉन हैं, उनका नाम नानू है और वो स्टीफन रॉबर्ट्स के लिए काम करते हैं। मम्मी के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत खून खराबा देखा है। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझसे ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, मैं उस माहौल से बस किसी तरह दूर जाना चाहती थी। फिर मैंने फैसला किया, मैं जिससे भी शादी करूंगी उसका दिल साफ होना चाहिए, उसके पास पैसे भले ही ना हो बस वो मुझसे ढेर सारा प्यार करे। इसीलिए मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछा। तुम इतने चुप क्यों हो? मैं एक डॉन की बेटी हूँ इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है नंदू, तुम्हारी जगह मैं होता तो ना जाने कितनों की मदद कर देता, पर तुमसे नहीं होगा। तुम चाहती तो कितनों के उजड़े घर बसा सकती थी, पर ये भलाई का काम तुमसे नहीं हो पाएगा। भलाई का काम? बताओ ना मुझे क्या करना है, मैं वो जरूर करूंगी। स्टीफन रॉबर्ट कैसे दिखते हैं सिर्फ तुम्हारे पापा जानते हैं, वो उनके आदमी है। अगर उनकी फोटोज तुम किसी तरह पुलिस को दे सको तो बहुत से लोगों की मदद हो जाएगी, उन बेचारों की बुझी हुई जिंदगियों में रौनक आ जाएगी। लेकिन छोड़ो, तुम ये नहीं कर पाओगे। मैं जरूर करूंगी। तुमने मुझे एक अच्छा काम करने को कहा है, कोई बुरा काम नहीं, मैं करूंगी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। प्रॉमिस? अपने प्यार के खातिर कुछ भी करूंगी। आई लव यू। अब तुम भी बोलो आई लव यू टू। मुझे जोर से हग करके बोलो आई लव यू, बोलो ना। आई लव यू। क्या हुआ? नहीं वो बाप, अगर तुम्हारे पापा के आदमी ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तुम सही कह रहे हो, मैं अभी जाके मुंबई की टिकट्स बुक करवाती हूँ, वहीं जाके बात करेंगे। ओके ओके। अपनी आगे की लव स्टोरी मुंबई में। सी यू देयर। चल, तुझे डांस क्लास में पहली बार देखते ही मुझे तुझ पर शक हो गया था कि तू नंदिनी से प्यार करने का नाटक कर रहा है। तू स्टीफन रॉबर्ट के बारे में क्यों पूछ रहा था? कहां से आया तू? कौन है बे तू? सब बता, बोल। भाई ये कुछ नहीं बोलने वाला, मेरी बात मानो, उड़ा दो साले को। हेलो सर। हेलो, आप बैंकॉक से कब लौट कर रहे हैं? मीरा ड्राइवर, गाड़ी बाहर निकालो, मैं अभी आता हूँ। हाँ आइए ना, बैठ के बात करते हैं।
क्या हुआ, कुछ बात बनी? बैंकॉक में क्या हुआ बताइए ना। हम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। नंदिनी एक अच्छी लड़की है, अब वो घर लौट आई। हमें अब किसी भी पल स्टीफन रॉबर्ट्स की फोटो मिल सकती है, पर एक बात बतानी है, बैंकॉक में मैंने एंथनी के भाई डेविड को मार डाला। मेरा यहाँ होना तुम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। फोटो मिल जाने के बाद आऊंगा, अपना ख्याल रखना। वेलकम टू इंडिया। हाय डैड। फारूक सर, आज मेरी कोई मीटिंग्स हैं? हैं सर। कैंसिल कर दो। ओके सर। और हाँ, आज मैं सारा दिन अपनी बेटी के साथ बिताऊंगा। श्योर सर। इतने साल मैं आपको गलत समझ के आपसे दूरी बनाती रही। आई एम सॉरी डैड। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा। डैडी मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बैंकॉक में एक मारामारी के दौरान जब मेरे मुंह से गलती से स्टीफन रॉबर्ट्स का नाम निकला तो सब लड़के डर के मारे कांपने लगे। तब मैं समझी कि स्टीफन रॉबर्ट्स कितने पावरफुल हैं। Really? हाँ डैडी, स्टीफन रॉबर्ट्स को तो बैंकॉक में सब जानते हैं। मैं भी ट्यूबलाइट हूँ। इतना समझने में इतनी देर लग गई मुझे। मैंने ये भी सुना है कि अब तक किसी ने स्टीफन रॉबर्ट्स को देखा नहीं है, क्या उन्हें देखना इतना मुश्किल है डैडी? Yes. दूसरों के लिए मुश्किल है, मेरी बेटी के लिए नहीं। तुम देखना चाहोगी? ये क्या बढ़िया फाइटिंग करते हैं, एकदम हॉलीवुड के स्टाइलिश विलन्स की तरह डैडी। ये सच में इतने ताकतवर है? मुझे ये नहीं पता था। हेलो ऋषि, एक गुड न्यूज है। मिल गई वो फोटोज। मिल गए क्या? तुमने सिर्फ फोटोज मांगी थी ना, मुझे तो स्टीफन रॉबर्ट्स का वीडियो मिल गया। मैं अभी वहां आ रहा हूं। अभी टाइम क्या हुआ है? हे 11 बज गए हैं। अभी नहीं, हम कल मिलेंगे। ओके। वीडियो। हे, इस वक्त यहां आने का क्या मतलब है? वीडियो। मैंने कहा था ना कल दे दूंगी, प्लीज जाओ यहां से। वीडियो। डैडी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। वीडियो। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके। लगता है उन्हें फोटोज मिल गए। तुम लोग कौन हो? क्या कहा? यहाँ क्यों आए हो? खाना खाने आया हूँ। आप कौन? ए! तेरे को भी अपने बाप की तरह ऊपर जाने की जल्दी है क्या?
स्टीफन रॉबर्ट्स के बारे में पूछने के लिए यहाँ कौन सा लौंडा आया था? जल्दी बक। मैं कुछ नहीं जानता सर। कुछ नहीं जानते? नहीं सर। ए? आया भाई। तेरे को लगता है ये तेरा ड्राइवर है? ये मेरा आदमी है। अब बोलना या कोई नहीं आया था? हाँ? नहीं सर। नहीं 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 आया था? नहीं सर। ठीक है। नहीं स्टीफन रॉबर्ट्स के बारे में पूछने के लिए दो बार यहाँ कोई आया था, लेकिन इस साले ने लेट बताया इसलिए ठोक दिया। लेट का मतलब बिना टिकट के सीधा ऊपर। अब बता यहाँ कौन आया था? तू ऐसे नहीं बताएगा। चल तेरी बहन को ले जाता हूँ, तब बकेगा तू। नहीं सर, मेरी बहन को फोन कर। अरे ऋषि, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? कहाँ चला गया था? स्टीफन रॉबर्ट्स को मालूम पड़ गया कि आप मेरे घर आए थे, वो मेरी बहन को उठा के ले गए। सर सर प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज सर मेरी बहन को बचा लीजिए सर, प्लीज सर प्लीज कुछ कीजिए सर। उठ। मुझे पता चल चुका है कि स्टीफन रॉबर्ट नाम का शख्स कौन है। वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। वो मेरी भी बहन है और मेरे होते हुए कोई उसका बाल भी पाका नहीं कर सकता। बाप रे बेटा बिरजू बियर, जल्दी से अपनी बाटलियां बांध और कट ले यहां से। क्या हुआ तुम्हें? क्या रे, क्या हुआ तुम सबको? रिवेल नाम के एक छोकरे ने हमें बहुत मारा सर, हमारे कुत्ते जैसी हालत कर दी। वो बोला मुझे, आपको, हमारे सारे आदमियों को, यहां तक के स्टीफन रॉबर्ट्स को भी खत्म कर देगा। साले का हुलिया बता,